सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू वीडियो। तो आप सबका फिर स्वागत करता हूं मैं अपनी एक नई वीडियो में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको पता है कि वरना काफ़ी टाइम से लॉन्च होने वाली थी, तो आज वो फाइनली लॉन्च हो चुकी है और हम जा रहे हैं हुंडई शोरूम। तो उसका रिव्यू देखते हैं चल के, कैसा है कैसा नहीं है आपको भी दिखाते हैं। बाकी आपसे मैं ये कह देना चाहता हूँ कि गाड़ी जो आई है ना इस बार, मतलब भाई मैंने उसका मतलब वीडियो देखी थी तो बहुत औसम गाड़ी लग रही है। मतलब आगे भी लाइट फुल दे दी है, पीछे साइड में भी, मतलब जैसे वेन्यू में आपने लाइट देखी है ना बैक साइड में, वैसी लाइट उसमें वरना में भी दे दी है। तो भाई मतलब इस बार तो कुछ अलग ही लेवल होने वाला है वरना का। तो आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि और भाई वीडियो में आपको कसम से बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको गाड़ी में कि आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी। क्योंकि भाई कंफर्टेबल के मामले में अगर देखा जाए ना, तो हुंडई की गाड़ियाँ कंफर्टेबल होती हैं, और बाकी भाई बिल्ड क्वालिटी तो आप जानते हो, बिल्ड क्वालिटी तो होती है। और भाई आपसे मैं ये पहले कह देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी ढेर सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो चलते हैं शोरूम, दिखाते हैं आपको। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं, नई वरना हमारे सामने खड़ी हुई है। आप यहां से शार्पनेस देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लासिकल लगने वाली है, और जो बंदे वरना लवर हैं भाई उनके लिए तो ऑसम है, मतलब नेक्स्ट लेवल हो गया इस बार तो। तो यहां पे से आप देख सकते हैं डोर हैंडल्स वगैरह कितने प्यारे दिए गए हैं, और बैक साइड की अगर आपको टेल लाइट वगैरह दिखाई जाए तो हमारी ओल्ड वाली वेन्यू है उसके हिसाब से दिए गए हैं, और काफ़ी अच्छी लगने वाली है। तो इसको चला के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक साइड में फुल, मतलब अगर कोई आपकी गाड़ी आगे चल रही है तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आएगा बैक साइड में। और ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी पुरानी वाली से कम कर दी गई है, थोड़ी सी ब्रॉड कर दी गई है, बाकी पुरानी वाली वरना से फुल लुक चेंज है। बाकी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है नई वरना। आपको इसके बैक साइड का इंटरफेस कराते हैं कैसा है कैसा नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही हम इंटर करेंगे, पहले तो आपको मिल जाता है बहुत ज़्यादा स्पेस। यहाँ पे देख सकते हैं लेदर फिनिश के साथ दे रखा है, बैक साइड में ये सॉफ्ट टच है, बाकी अगर आप आगे देखेंगे तो ये सॉफ्ट टच नहीं है। बाकी मेन चीज़ भाई इसमें बोस के स्पीकर दिए गए हैं, चारों दरवाज़ों में बोस के स्पीकर हैं। और यहाँ पे एसी वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, टाइप सी केबल मिल जाती है यहाँ पे 1200 वाट की। बाकी स्पेस आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा स्पेस है, तो स्पेस के मामले में आपको कॉम्प्रो नहीं करना पड़ेगा। बाकी आप देख सकते हैं कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सॉफ्ट टच है। बाकी अगर हम इसके ऊपर की बात करें तो यहाँ पे सनरूफ वगैरह मिल जाता है, ये SX है टॉप मॉडल ऑप्शनल SXO। तो यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं, इसके अगर आप ऊपर जाएंगे तो वो आपका टर्बो मॉडल आ जाएगा। ये हमारा SX है 1600 CC इंजन वरना, जो हमारी ओल्ड वरना में इंजन आता था वही सेम इंजन इसमें है। इंजन में आपको कोई चेंजेस वगैरह नहीं मिलेंगे, बाकी आपको बॉडी लैंग्वेज या आपको कोई भी चीज़ है उसमें सब कुछ चेंज मिलेगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी हाइट है 5'8". तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं फुल स्पेस मिलने वाला है, आपको कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। अब आपको इसका दिखाते हैं बूट स्पेस। तो यहाँ पे जो बूट स्पेस है ना आपको शॉक कर देगा, क्योंकि बूट स्पेस जो दिया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेस दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 लोगों को आराम से इसमें भर सकते हैं, मजाक कर रहा हूँ, बाकी बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये बेस स्पीकर की मैंने बात करी थी, तो ये यहाँ पे बेस स्पीकर लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा आएगा आपका म्यूज़िक, अगर आप एक म्यूज़िक लवर हैं तो। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बेस स्पीकर लगा हुआ है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले ये बता दूँ कि बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा हैवी है, यहाँ पर अगर मैंने डिग्गी भी ओपन करी थी तो काफ़ी ज़्यादा हैवी है। तो आगे चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे राइट साइड डोर में आपको चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक करने का बटन मिल जाता है, ऑटो फोल्डिंग मिरर मिल जाते हैं, तो आपको बहुत ही कुछ मिलने वाला है। अब यहाँ पे आप हम देख सकते हैं बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमने ये भी एक मिनट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कितना, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेंटिलेटेड सीट वगैरह मिल जाती है हमको, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस करेगा आपको कम्फर्टेबल में। यहाँ पे देख सकते हैं ऑसम, मतलब हमारी वेन्यू में जैसा कि मीटर आया है वेन्यू में i10 में i20 में जो भी मीटर है वो सेम यही मीटर है, तो इस नई वाली वरना में भी यही मीटर कर दिया गया है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं क्रूज़ कंट्रोल वगैरह दे रखे हैं, ऑटो पायलट सिस्टम दे रखा है, यहाँ पे वॉइस सीरी कंट्रोल वगैरह दे रखे हैं, वॉल्यूम म्यूज़िक सिस्टम कंट्रोल ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा दे रखे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक साइड में हमें पैडल शिफ्टर दिख रहे हैं जो कि आप स्पोर्ट्स मोड में चला सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा एसी वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं ऑटो कंट्रोल के साथ। और यहाँ पे देख सकते हैं आप इसका जो म्यूज़िक सिस्टम है, टच स्क्रीन जो दी गई है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। और यहाँ पर देख सकते हैं
हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील कराने वाला है आपको। ऑडी A4 A6 में जैसा आपको मिलता था वैसा इसमें सेम दे दिया गया है। बाकी आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग वगैरह मिल जाती है, ये देख सकते हैं ओसम भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मूथ दिया गया है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे हैज़र्ड सिस्टम दिया गया है और मीटर आप देख सकते हैं कैसा है। बाकी यहाँ पे ये देख सकते हैं आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे बॉस के स्पीकर्स मिल जाते हैं, ये पावर, ये वायरलेस चार्जिंग वगैरह मिल जाती है, 1200 वाट के चार्जर्स मिल जाते हैं, USB कंट्रोल, टाइप सी मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा भर भर के फीचर्स दिए गए हैं इसमें, भर भर के। तो आप यहाँ पे सनरूफ वगैरह का अगर फील लेना चाहते हैं, तो अगर आज के टाइम में अगर सनरूफ ना हो कार में तो आपको पता है कैसा एक्सपीरियंस होता है, तो सनरूफ में भी आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। यहाँ पे से देख सकते हैं हमने सनरूफ क्लोज़ कर दिया, इसके बाद हम यहाँ से ये भी क्लोज़ कर सकते हैं, इंडिकेटर्स हम इसको भी खोल देते हैं फिलहाल। अब हम इसके आपको दिखाते हैं आगे चल के फ्रंट लुक कुछ नहीं सही है। अच्छा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा न्यू वरना का फ्रंट लुक अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रिल दी गई है, ब्लैक पियानो फिनिश के साथ इसकी ग्रिल वगैरह दी गई है, और आपके आगे पूरी LED लाइट्स वगैरह दी गई हैं, हेडलाइट प्रोजेक्टर लाइट्स नहीं दी गई हैं इसमें, नॉर्मल हाई बीम वाली दी गई हैं। बाकी आपको यहाँ पे देख सकते हैं एम्बियंस लाइट वगैरह मिल जाती हैं, आपको आफ्टर मार्केट कुछ नहीं लगवाना पड़ेगा, एम्बियंस लाइट वगैरह मिल जाती हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी आप सामने सॉफ्ट टच देख सकते हैं, ऊपर का भी कुछ ऐसा व्यू आता है सनरूफ से, और आपको इसकी रोड परफॉर्मेंस दिखाते हैं। कार ड्राइव करने में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे इस कार के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड इंजन के साथ आ रही है हमारी न्यू वरना। आप हुंडई को तो जानते ही हो, हुंडई के ज़्यादातर रिफाइंड इंजन होते हैं, और बाकी मिरर वगैरह की क्वालिटी ओके है, चलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, मतलब आपको कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी, कम्फर्टेबल के मामले में तो आ ही नहीं सकती। तो इसके बोनट की बात आ गई है, अब यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया था, पहले तो आप ये देखिए कितना हैवी है, डंबल की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही कर सकता हूँ इसको, तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा भारी है ये। बाकी आपको मैंने पहले बताया था जो हमारी ओल्ड वरना में आता था इंजन, वही सेम इसमें भी इंजन मिल जाता है, और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन है, 1600 CC है, यही इंजन आपको क्रेटा में भी देखने को मिल जाता है 1600 CC में, टॉप एट टॉप मॉडल में क्रेटा में, तो ये भी हमारा टॉप मॉडल है SX0 टॉप मॉडल, तो इसमें भी सेम वही इंजन मिल जाता है। तो यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ध्यान से गाड़ी बहुत अच्छी है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो फाइनली गाइज, आपको पता है कि हमारे पास 2023 की टॉपेस्ट मॉडल जो कि हमारी वरना आ चुकी है, लॉन्च हो चुकी है, अभी मार्केट में चल रही है। तो मैं आपसे तो यही कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे से ओपिनियन अगर लेते हैं तो भाई, ये जो पुरानी वाली वरना थी तो सेम इसके लिए कोई वो ज़्यादा नहीं है, बस लुकेस वगैरह लुक जो है चेंज किया गया है, बाकी इंजन आपको सेम मिल जाएगा, पावर आपको सेम मिल जाएगी। अगर इसका एक और मॉडल बढ़ा दिया है और टॉप मॉडल जो कि उसमें टर्बो आएगा, उसकी पावर भाई ऑसम है, उसका मुकाबला नहीं, पर भाई ये गाड़ी हमारी SX है टॉप मॉडल में, तो ये आपका बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब एक्सपीरियंस कराएगी, कंफर्टेबल आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब नॉर्मली आप बैठ के मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी लड्डा में बैठे हो यार, कंफर्टेबल मतलब लग्जरी फील फुल दिया गया है। और मेन चीज़ भाई, इसमें एम्बियंस लाइट वगैरह दी गई हैं, इसमें बोस के स्पीकर्स वगैरह दिए गए हैं, और साउंड क्वालिटी ऑसम है, आपको मैंने अभी रिव्यू में दिखाया हुआ कि साइड में इसका बेस साउंड लगा हुआ है, तो वो भी उससे भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आता है। बाकी हमारे चारों गेट में जो है वो स्पीकर मिल जाते हैं, और एक पाँचवा पीछे लगा हुआ है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ढेर सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।